हाँ जी साहब, वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? देखिए, आज का जो सेशन है इसमें बताने वाला हूँ कार फाइनेंस के बारे में बहुत जरूरी बात है, इन टर्म्स ऑफ कस्टमाइज स्कीम, जिसमें आपकी ईएमआई पहले कुछ सालों में 50% तक कम हो सकती है। ऐसे कौन से बैंक से जो बड़े कॉम्पिटिटिव रेट्स पे प्लस कम प्रोसेसिंग फीस पे आपको लोन दे रहे हैं? प्राइवेट सेक्टर बैंक या पीएसयू बैंक, प्लस आज की तारीख में फिक्स रेट स्कीम या फ्लोटिंग रेट स्कीम, वो सारी कहानी आपको बताने वाला हूँ। देखिए, आज का जो युग है वो है कस्टमाइजेशन का। एवरीवन इज लुकिंग फॉर कस्टमाइजिंग एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ कार, इन टर्म्स ऑफ उसमें एक्सेसरीज के बारे में, मॉडिफिकेशन के बारे में। तो बॉस, आपके कार फाइनेंस के अंदर भी अपने लोन की ईएमआई को आप चाहें तो कस्टमाइज कर सकते हैं। तो उसकी कुछ स्कीम्स हैं, जिसमें पहली स्कीम है स्टेप अप ईएमआई स्कीम। ये स्कीम के अंदर क्या होता है, क्योंकि सैलरी क्लास जो लोग लोन लेते हैं तो उनके मन में चिंता होती है कि अभी मैंने डाउन पेमेंट करी, इनिशियल ईयर्स है, बर्डन काफ़ी ज़्यादा है। तो इस स्कीम के अंदर जो आपकी ईएमआई होती है वो लोएस्ट रहती है इन द इनिशियल ईयर्स, एंड इट इंक्रीज ईयर ऑन ईयर इन द रेंज ऑफ 10-12%। तो सपोज आप एक कोई कार ले रहे हैं, उसकी नॉर्मल ईएमआई रहेगी 15,000 रुपये, तो बहुत स्टेप अप ईएमआई केस के अंदर पहले साल की जो ईएमआई होगी वो होगी करीब 12,000 रुपये अप्रॉक्सीमेट, सेकेंड ईयर की रहेगी करीब 13,500 रुपये, तीसरे साल की रहेगी 15,000 रुपये। तो आप देख रहे हैं तीसरे साल में जाके आप वो ईएमआई पे करने वाले हैं जो आप पहले साल में पे करते हैं इन केस ऑफ नॉर्मल ईएमआई। चौथे साल में आप पे करते हैं करीब 17,000 रुपये, पांचवें साल में अब 18,500 से 19,000 रुपये। और इसका लॉजिक ये है, आपकी जो सैलरी है वो इंक्रीज हो रही है, तो लेटर ईयर्स में आपकी अफोर्डेबिलिटी पावर, आपकी डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज हो जाएंगे, इट वुड बी एबल, यू वुड बी इन अ बेटर पोजीशन सो एज टू क्लियर ऑफ योर ईएमआईज। तो ये लोगों को सहूलियत देता है कि आपकी ड्रीम कार के लिए आप कॉम्प्रोमाइज ना करें, आज ही आपको अपनी ड्रीम कार अवेलेबल हो जाएगी और आप उसको इनिशियल बर्डन आपका लोअर रहेगा। इसी के बाद दूसरी स्कीम होती है, वो होती है बुलेट स्कीम। इसमें बैंक जो फाइनेंस करते हैं ईएमआई, उसमें जानते हैं कि सैलरी को अमूमन बोनस मिलता है इन द मंथ ऑफ अप्रैल एंड या मई के आसपास, तो वो साल की जो 11 ईएमआई होती हैं उसको लोअर रखती है और 12वीं ईएमआई एक बड़ी अमाउंट रहती है, विच इज अराउंड 8-10% ऑफ द लोन अमाउंट। तो सपोज आपकी ईएमआई आप चाह रहे हैं कि मंथली ऑब्लिगेशन कम रहे, और जब आपका फ्यूचर में बोनस आए आप उस बोनस से एक बड़ा ऑब्लिगेशन पे कर दें, तो बॉस आप इस बुलेट ईएमआई से जा सकते हैं। इस केस के अंदर क्या होगा, सपोज 15,000 रुपये आप ईएमआई का केस लेके चल रहे हैं, उस केस में आपकी ईएमआई रहेगी करीब 8-10,000 रुपये महीना, और उस केस में जो बुलेट ईएमआई जाएगी वो जाएगी करीब 60-70,000 रुपये एट द एंड ऑफ 12वें महीने, यानी एट द एंड ऑफ 1 ईयर। तो ये आपके लिए सहूलियत कर सकता है, दिस कैन अगेन बी एन इंटरेस्टिंग चॉइस फॉर यू। और तीसरी स्कीम होती है बैलून ईएमआई। ये गुब्बारा ईएमआई स्कीम ऐसी होती है, इसमें पहले सारे महीनों में, पहले क्या कहूँ, बिफोर द लास्ट मंथ तक आपकी ईएमआई कम रहेगी, एंड ओनली द लास्ट ईएमआई वुड बी अ बल्क ईएमआई व्हिच वुड बी अराउंड 30% ऑफ द लोन अमाउंट। तो सपोज आपका लोन अमाउंट 10 लाख रुपए का है, तो जो 60th ईएमआई होगी वो होगी करीब 3 लाख रुपए की, और जो बाकी ईएमआईज होंगी वो करीब आपकी कम अमाउंट की होगी, तो उससे आपको सहूलत मिलेगी। काफ़ी लोग होते हैं कि वो चाहते हैं कि भाई मैं 5वें साल के बाद अपनी कार को अपग्रेड करने का प्लान आज से ही करूँगा, आई वुड नॉट लाइक टू वेट आफ्टर 5 ईयर्स वॉज टू ओन द सेम कार बिकॉज मैं अच्छी पोजिशन पर होंगे, तो मैं उस कार में कार को डिस्पोज करूँगा, उसी से मैं कार की ईएमआई पे ऑफ कर दूंगा और मैं चाहता हूँ मेरी बाकी ऑब्लिगेशंस कम रहें, तो उस केस में आप इस बैलून ईएमआई को देख सकते हैं। तो ये तीन तरह की स्कीम्स हैं। अब चौथी एक स्कीम है, ये स्कीम को कहते हैं फ्लेक्स ईएमआई स्कीम, एंड दिस इज इंट्रोड्यूस्ड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसमें आपकी जो ईएमआई होगी वो रहेगी पहले 6 महीने में 50% एज अगेंस्ट द रेगुलर ईएमआई, और उसके बाद आपकी ईएमआई बढ़ जाएगी। और दूसरा केस में क्या होता है, इस केस में क्या होता है, पहले 6 महीने में 50% रहेगी एज अगेंस्ट रेगुलर ईएमआई, दूसरे केस में रहेगी 7th to 9th month में 75% रेगुलर ईएमआई, और 10th month एंड ऑनवर्ड्स वुड बी योर ईएमआई जो पहले ईएमआईज को थोड़ा सा बढ़ा के होगे। तो कई लोग थोड़ा परेशान होते हैं कि मैं डाउन पेमेंट भी कर रहा हूँ, अभी ऑब्लिगेशंस काफ़ी हैं, सो आई वुड लाइक टू हैव अ लोअर ईएमआई केस, उस केस में आप इस फ्लेक्स ईएमआई से जा सकते हैं। तो ये जान लीजिए, जो मैं स्कीम बता रहा हूँ, बुलेट ईएमआई, स्टेप अप ईएमआई, बैलून ईएमआई,
ये स्कीम्स देती हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, आप ICICI बैंक, HDFC बैंक, ये दो बैंक तो ऑफर करते हैं। कोटेक और एक्सिस में आप लोग चेक कर सकते हैं विद रिलेशनशिप मैनेजर। और ये स्टेट बैंक की जो स्कीम है फ्लेक्स EMI, ये स्कीम SBI के आप किसी भी ब्रांच में आके चेक कर सकते हैं। अब दूसरी बात बॉस, आज की तारीख में कार लोन लेना चाह रहे हैं तो ये जान लीजिए प्रोसेसिंग फीस, डॉक्यूमेंटेशन चार्ज, इस तरह के जो चार्जेस हैं बड़ी सब्सटेंशियल अमाउंट बन गई है प्राइवेट सेक्टर बैंक में। अगर आप उनके प्री अप्रूव कस्टमर नहीं हैं तो उस केस में करते करते 7,000 से लेकर 9,000 रुपये तक बैंक चार्ज कर रहे हैं अलग अलग प्राइवेट सेक्टर बैंक इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसिंग फीस एंड डॉक्यूमेंटेशन चार्ज, एज अगेंस्ट द PSU बैंक हु आर चार्जिंग वेरी लो, या कई केस में तो PSU बैंक्स वेवर भी ऑफर कर रहे हैं। तो SBI की बात करूँ, SBI इज ऑफरिंग जिसमें उनके 5 लाख तक के लोन में 1,000 रुपये केवल आपको प्रोसेसिंग फीस देनी है इंक्लूडिंग GST, 10 लाख तक के लोन में 1,500 रुपये है और 10 लाख से ऊपर 2,000 रुपये है। साथ में आप और भी बैंक चेक कर सकते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा है 1,500 रुपये अप टू 10 लाख, 10 लाख से ऊपर 2,000 रुपये, PNB के अंदर 1,000 से 1,500 रुपये, और पंजाब एंड सिंध बैंक में 0.25%, यूनियन बैंक तो कोई प्रोसेसिंग फीस चार्ज ही नहीं कर रहा है, कैनरा बैंक में प्रोसेसिंग फीस का आपको वेवर मिल रहा है, IDBI बैंक में भी बड़ी कम प्रोसेसिंग फीस है। एज अगेंस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, अगर आप उनके प्रिय कस्टमर नहीं हैं तो वहां पे 7,000 से 9,000 रुपये आपको प्रोसेसिंग फीस मिलेगी। और वर्तमान केस में जान लीजिए अगर आप सबसे कम इंटरेस्ट रेट चाहते हैं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाउ इज ऑफरिंग अ वेरी गुड स्कीम जिसमें उनके फ्लेक्स EMI के साथ साथ प्रोसेसिंग फीस भी बहुत कम है। 1 साल बाद आपको किसी प्रकार का फोरक्लोजर चार्जेस नहीं लगेंगे, अर्लियर दैट टाइम फ्रेम वाज ऑफ 2 इयर्स, अब ये मॉडिफाई हो गया है ऑन द न्यू लोन्स व्हिच आर गेटिंग डिसबर्स, उसमें 1 साल का हो गया है, एंड द इंटरेस्ट रेट स्टार्ट्स फ्रॉम 8.6% फॉर द EV कार्स एंड 8.65% फॉर द इंटरनल कंबशन इंजन, पेट्रोल डीजल CNG हाइब्रिड, तो उसमें 8.65% से है, डिपेंडिंग ऑन योर सिबिल स्कोर यू कैन गेट अ कार लोन फ्रॉम SBI। SBI इज वेरी वेरी एक्टिव इन टर्म्स ऑफ ऑफरिंग यू फास्ट प्रोसेसिंग ऑल्सो, तो SBI की शाखा में आप इसको चेक कर सकते हैं। उसके अलावा जो PNB की स्कीम है 8.75% ऑनवर्ड्स, बैंक ऑफ बड़ौदा की 8.85% ऑनवर्ड्स, पंजाब एंड सिंध बैंक की 9.05% ऑनवर्ड्स, यूनियन बैंक की 8.85% ऑनवर्ड्स, कैनरा बैंक 9.15% ऑनवर्ड्स, IDBI बैंक 8.75% ऑनवर्ड्स, तो ये आपको स्कीम मिलेगी। और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स इसके मुकाबले 8.75% से लोन देते हैं, लेकिन एक फर्क है इन टर्म्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स इन टर्म्स ऑफ PSU बैंक। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स बेसिस आप कौन सी कार लेना चाह रहे हैं, इट मैटर्स टू देम, मर्सिडीज Audi पे कम रेट मिलेगा एज अगेंस्ट मारुति अल्टो K10, एज अगेंस्ट मारुति स्विफ्ट। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में कार की कैटेगरी भी मैटर करती है कि आप कौन सी कार लेना चाह रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन दैट कार योर कार लोन इंटरेस्ट रेट वुड बी डिटरमाइंड। लेकिन PSU बैंक्स में दे आर मोर इंटरेस्टेड इन योर सिबिल स्कोर, आप BMW लेना चाह रहे हैं या आप Hyundai की i20 लेना चाह रहे हैं, आपको सेम रेट ऑफर होगा अगर आपके क्रेडेंशियल्स ठीक है, तो वो आप चाल लीजिए। तो ये दूसरी बात है। अब तीसरी बात बॉस, फिक्स्ड और फ्लोटिंग के हिसाब से, तो ये जान लीजिए आज की तारीख में इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो स्टेबलाइज होने लगे हैं, ऐसा महसूस हो रहा है इंटरेस्ट रेट्स आर मोर ऑन अ स्टेबलाइज फ्रंट, जो पहले एक राइजिंग रेट सिनेरियो था वो अब होल्ड हो गया है। तो अगर आपका होराइजन 3 साल का है फॉर अ शॉर्ट टर्म बेसिस, उस केस में तो आप भले ही फिक्स रेट में जा सकते हैं, क्योंकि अगर बढ़ोतरी भी हुई फ्यूचर में वो 25 पैसे की होगी, पर कमी होने में थोड़ा समय लग सकता है। SBI की स्कीम बहुत कॉम्पिटेटिव है, SBI इज ऑफरिंग यू फिक्स रेट, नहीं तो आप प्राइवेट सेक्टर बैंक में ICICI, HDFC, कोटेक, एक्सिस में आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आपका होराइजन लॉन्ग टर्म के हिसाब से है बॉस, तो मेरी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है, इट लुक्स लाइक दैट ग्लोबल इकोनॉमी, लुक्स लाइक इंडियन इकोनॉमी, लुक्स लाइक जिस हिसाब से अभी इंटरेस्ट रेट्स में बढ़ोतरी हुई है, लुक्स लाइक जिस हिसाब से कम्युनिटी प्राइस में अब स्टेबिलाइजेशन शुरू हो गई है, इंटरेस्ट रेट्स भविष्य में अब वो उतना बढ़ने की संभावना नहीं है, देयर कैन एक्चुअली बी अ कर्टेलमेंट ऑफ इंटरेस्ट रेट स्टार्टिंग फ्रॉम 2024 ऑनवर्ड्स, अगले साल इलेक्शन भी है, तो आपको इंटरेस्ट रेट्स में 2024 में कमी होते हुए दिखाई देगी। तो मेरा कहने का अर्थ है अगर लॉन्ग टर्म का होराइजन है, इंडियन इकोनॉमी पॉइज्ड है, तो उस केस में आप फ्लोटिंग रेट में जाइए, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, ये इस तरह के बैंक आपको फ्लोटिंग में स्कीम ऑफर कर रहे हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब बॉस कैसे सबसे बढ़िया स्कीम चेक करें? देखिए आप ये जान लीजिए केवल EMI के बेस पे अगर आप बैंक को शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं देन बॉस यू आर डूइंग ब्लंडर।
कार लोन में इतने सारे कंपोनेंट्स होते हैं, यू नीड टू डू एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन। एप्पल टू एप्पल का मतलब ये है कि जो आप कार लोन में चाहते हैं कि भाई मैं कंपैरिजन करना चाहता हूँ विद द अदर डील, यू शुड कंपेयर ऑन दिस 5 to 6 आइटम, विच इज द लोन अमाउंट, विच इज द इंटरेस्ट रेट, विच इज द टेनर, विच इज द प्रोसेसिंग फीस, ईएमआई कितनी है आप पे करने वाले हैं, एडवांस ईएमआई तो नहीं है, लोन डिसबर्समेंट अमाउंट क्या है। सपोज आपको कोई बैंक बोल रहा है आपको एक एडवांस ईएमआई पे करनी है, उस केस में तो सर्टेनली आपकी ईएमआई कम हो जाएगी, बिकॉज जब बैंक में आप एडवांस ईएमआई पे करते हैं आपका डिसबर्समेंट अमाउंट कम हो जाएगा एंड यू आर रिक्वायर्ड टू पे दैट ईएमआई इन एडवांस। एसबीआई के केस में कोई एडवांस ईएमआई नहीं होती है, तो कोई प्राइवेट सेक्टर बैंक में वो दिखाता है कि सर आपकी फाइनल ईएमआई कम रहेगी एज अगेंस्ट एसबीआई, तो सर ये जान लीजिए उस केस में आपकी डाउन पेमेंट बढ़ जाएगी, बिकॉज एडवांस ईएमआई केस में बैंक शॉर्ट पे करता है इक्विवेलेंट टू द ईएमआई, यानी वो डिसबर्समेंट अमाउंट कम आएगा, आपको वो ईएमआई एडवांस में जमा करवानी पड़ेगी, तो उसका फायदा नहीं है। यू नीड टू डू एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन इन टर्म्स ऑफ लोन अमाउंट, रिएटेड कर रहा हूं, इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट रेट्स, इन टर्म्स ऑफ टेनर, इन टर्म्स ऑफ ईएमआई, एडवांस ईएमआई, प्रोसेसिंग फीस, लोन डिसबर्समेंट अमाउंट, और आखिरी चीज फ्लोटिंग रेट है, फिक्स्ड रेट है, आपका होराइजन क्या है, तो वो आप जान लीजिए। प्राइवेट सेक्टर बैंक ये भी जान लीजिए, दे ऑफर्स हायर पे आउट कमीशन टू द डीलर्स और डीएसए, तो उस केस में इंटरेस्ट रेट्स में नेगोशिएशन पॉसिबल है, वो आप जान लीजिए। यहाँ पे डीलर डीएसए को हायर पे आउट मिलता है इफ दे आर बुकिंग द रेट लोन एट अ रैक रेट, अगर आप नेगोशिएट करते हैं तो उनका थोड़ा सा पे आउट कम हो जाता है, बट उनकी अर्निंग वो है, लेकिन अगर आपका प्रोफाइल क्लीन है, आई थिंक देयर इज नो हार्म इन नेगोशिएटिंग, सो एज टू नेगोशिएट 25 टू 50 बेसिस पॉइंट लोअर रेट, वो आप जान लीजिए, वो भी एक कहानी है। कोई प्रोफेशनल सपोर्ट चाहिए, कन्फ्यूजन है, और कुछ आपको जानकारी चाहिए, माई कार हेल्पलाइन फोरम में आप आ सकते हैं www.mycarhelpline.com, प्लस कैलकुलेटर सेक्शन में आपको लोन का ईएमआई कैलकुलेटर मिलेगा, लोन एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर मिलेगा, और लोन का एमोर्टाइजेशन शेड्यूल मिलेगा, उस एमोर्टाइजेशन शेड्यूल को जरूर चेक करिए, बिकॉज देयर आर मेनी पीपल हु आर कंसिडरिंग सो एज टू टेक लोन बेसिस द फोरक्लोजर पार्ट। बॉस ये जान लीजिए, फोरक्लोजर आपके लिए बड़ा नुकसान वाला खेल है, क्योंकि उस केस में क्या होता है, जो इंटरेस्ट का आउटफ्लो आप किसी भी ईएमआई में देखेंगे इन टर्म्स ऑफ एमोर्टाइजेशन शेड्यूल, उसमें इंटरेस्ट आउटफ्लो इनिशियल ईयर्स में ज्यादा होता है, प्रिंसिपल का आउटफ्लो रिलेटिवली कम होता है, परसेंटेज टर्म्स की बात कर रहा हूं। तो जब आप पहले साल में इंटरेस्ट ज्यादा पे करेंगे, प्रिंसिपल कम परसेंटेज में पे करेंगे, तो इसका मतलब है आपका प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग उतना ज्यादा कम नहीं बैंक को पे हुआ, दैट मींस इट वुड बी अ लॉस मेकिंग सिनेरियो इफ इन केस यू लुकिंग टू फोरक्लोज अ लोन, बिकॉज़ उस केस में आप शू के मानों में इंटरेस्ट की ही कंपोनेंट ज्यादा पे करेंगे बैंक को, तो वो भी एक चीज है आप जान लीजिए। तो जरूरी सेशन था, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ इन केस यस अफोर्ड टू शेयर सब्सक्राइब टू माय कार हेल्पलाइन फॉर द वेरी बेस्ट अपडेट्स ऑन द ऑटो सेक्टर। थैंक यू।